नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूटास 150 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, फ्लूटास 150 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और फ्लूटास टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि फ्लूटास टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फ्लूटास टैबलेट एक एंटी फंगल दवा है। फ्लूटास टैबलेट का उपयोग फंगल इन्फेक्शन और यीस्ट इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। फ्लूटास टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से महिलाओं की वजाइना में फंगल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। महिलाओं की वजाइना में फंगल इन्फेक्शन होने पर वजाइना में जलन होना, खुजली होना, दर्द होना, वजाइना के बाहर की त्वचा का लाल होना, वजाइना में सूजन होना और वजाइना से सफेद रंग का डिस्चार्ज होना आदि लक्षण महिलाओं की वजाइना में फंगल इन्फेक्शन होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर फ्लूटास टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन होने पर त्वचा में लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजली और त्वचा में जख्म आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फंगल इन्फेक्शन नाखूनों, मुंह और जांघों में भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में फ्लूटास टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में फ्लूटास टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, भूख का कम होना, दस्त होना, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स फ्लूटास टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा फ्लूटास टैबलेट की वजह से कुछ परसेंट व्यक्तियों में जोड़ों में दर्द होना, हेयर फॉल होना, लिवर में सूजन होना और त्वचा पर रैशेज भी हो सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक फ्लूटास टैबलेट को लेने से लिवर डैमेज भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूटास टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। फ्लूटास टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। महिलाओं की वजाइना में फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर फ्लूटास 150 mg टैबलेट को सप्ताह में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन होने पर फ्लूटास टैबलेट की डोज इससे अधिक हो सकती है। फ्लूटास टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपको फ्लूटास टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूटास टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आपको किडनी या लिवर की कोई समस्या है तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि फ्लूटास टैबलेट किडनी और लिवर की समस्याओं को ज्यादा गंभीर बना सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फ्लूटास टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि फ्लूटास टैबलेट स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर स्तनपान करा रही महिलाओं को फ्लूटास टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका फ्लूटास टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।